हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा .com चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड में जो प्रेजेंटेशन में कभी कभी ब्रीच लिख के आता है तो कभी कभी सिफेलिक लिख के आता है, तो इसका क्या मतलब होता है। और हम साथ में ये भी जानेंगे ब्रीच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब होता है उल्टा। उल्टे का मतलब होता है जब हमारा गर्भाशय में जो बेबी होता है वो अपना जो सर होता है वो ऊपर कर लेता है और जो पैर होता है वो अपने नीचे कर लेता है। जब बेबी इस पोजीशन में आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं ब्रीच। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, जब बेबी इस तरीके से उल्टी पोजीशन में आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रीच पोजीशन। अब हम जानने वाले हैं कि ब्रीच पोजीशन कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो ब्रीच होती है वो होती है कंप्लीट ब्रीच। ठीक है, कंप्लीट ब्रीच का मतलब होता है इसमें जो बच्चा होता है वो बिल्कुल हमारे गर्भाशय में जो है पालथी मार के बैठा रहता है। बेबी क्या करता है कि सर को ऊपर कर लेता है और जो उसके पैर होते हैं उनको पालथी मार के जो है वो सर्विक्स की तरफ बैठ जाता है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रीच। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कंप्लीट ब्रीच होती है इसमें किसी भी हाल में नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, क्योंकि बेबी का जो है काफी बड़ा हिस्सा जो होता है, मतलब जो पालथी मार के बैठा है, तो बेबी पालथी तो खोलने वाला है नहीं डिलीवरी के टाइम पे। तो इस वजह से ये जो नीचे का काफी बड़ा हिस्सा हो जाता है तो हम इसको जो है बिल्कुल भी वजाइना के थ्रू बाहर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके जो है अल्ट्रासाउंड में कंप्लीट ब्रीच दिया जाए तो फिर आपको बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो होता है वो होता है फ्रैंक ब्रीच। ठीक है, फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है, बेबी जो अपने पैर होता है वो इस तरीके से ऊपर कर लेता है, उसके जो बम्प होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। होता क्या है कि बेबी अपने जो पैर जो है जब ऊपर को करके बैठता है तो इसमें क्या होता है कि बेबी के जो बम्प होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए इस अवस्था में जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल संभव हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये शर्त होती है कि आपके जो है अच्छे से दर्द आने चाहिए, आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो प्रॉपर 10 सेंटीमीटर खुल जाना चाहिए, उसके बाद ही में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि फुटलिंग ब्रीच क्या होता है। तो फुटलिंग ब्रीच का मतलब होता है इसमें बेबी जो वो होता है वो एक पैर को ऊपर कर लेता है और एक पैर जो है नीचे करके बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसका रीजन ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जाएगी तो इससे क्या होगा, बेबी का जो एक पैर होता है वो पहले बाहर आएगा और बाकी का जो हिस्सा होगा वो बेबी के अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए आपको इस अवस्था में भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि कभी कभी अल्ट्रासाउंड में जो है सिफेलिक पोजीशन भी दी जाती है। तो सिफेलिक पोजीशन का मतलब होता है बच्चा जिस कंडीशन में वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था है, यानी कि बच्चे का सर है वो नीचे है और बच्चे के जो पैर है वो ऊपर है, तो इसी अवस्था को हम बोलते हैं सिफेलिक पोजीशन। अब मैं आपको बता दूं ये जो ब्रीच पोजीशन होती है, जो बच्चा उल्टा हो जाता है, तो इसके कुछ कॉमन रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में भी बच्चा उल्टा हुआ है तो फिर दूसरी प्रेगनेंसी में भी आपका बच्चा उल्टा होने की बिल्कुल संभावना रहती है। दूसरा रीजन होता है कि अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो इसमें भी बच्चे जो है उल्टे होने की संभावना रहती है। अगर आपके जो है पानी की कमी है तब भी बच्चा जो है उल्टा हो सकता है, या फिर आपका जो प्लासेंटा है अगर वो लो लाइन प्लासेंटा है, यानी कि प्लासेंटा जो है वो आपके सर्विक्स के मुंह पर है, तो इससे भी बच्चा जो है उल्टा हो जाता है। बच्चा जब गर्भाशय में घूमता है तो अगर वो सर रखता है नीचे की साइड तो जो सर होता है वो उससे टकरा के वापस ऊपर को चला जाता है, तो इस वजह से जो उसके बम्प होते हैं वो नीचे आके फिक्स हो जाते हैं, और यही रीजन होता है कि इस वजह से भी बच्चा जो है आपका उल्टा हो सकता है। या फिर बच्चे में अगर कोई कमी है या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट है तो भी बच्चा उल्टा हो सकता है, या फिर मदर के जो है यूट्रस की साइज बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब कि पियर के आकार की है, कहने का मतलब है कि वो ऊपर को जो है चौड़ी है और नीचे को पतली है, तो इस अवस्था में भी बच्चा जो है बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन रीजन थे जिनकी वजह से बच्चा जो है उल्टा हो जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।